पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में राजमार्गों पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी। इन सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या को रोकने के लिए आज से मुरादाबाद पुलिस ने समाज के सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से सड़कों पर सबसे पहले उन पुलिस कर्मियों का चालान किया जा रहा है जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते मिले। पिछले दिनों सड़क हादसे में हुई एक फायर कर्मी की मौत से उत्तर प्रदेश की पुलिस सदमे में है। दरअसल वो पुलिस कर्मी बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहा था और सड़क हादसे उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने कमान संभालते हुए आज से एक विशेष अभियान छेड़ दिया है। आज सुबह कचहरी के आसपास और शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जो बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हुए पकड़े जा रहे थे। पुलिस को पकड़ती पुलिस को देखने का मंजर बेहद सराहनीय भी था और शहर के लोगों को एक सकारात्मक संदेश देने का भी काम कर रहा था। आज से शुरू हुए विशेष चेकिंग अभियान पर जानकारी देते हुए ट्रैफिक एसपी सतीश चंद्र ने बताया कि सबसे पहले पुलिस विभाग के लोगों से ही शुरुआत की गई है क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आम वाहन चालक का चालक तभी करें जब हमारा विभाग पूरी तरह से हेलमेट की अनिवार्यता समझ ले। दो दिन पहले हमारे एक फायरमैन की डेथ हुई थी एक्सीडेंट से और वो सिर्फ इसलिए उसकी डेथ हुई क्योंकि उसकी हेड इंजरी थी। अगर वो हेलमेट लगाए होते तो हो सकता उनकी जान नहीं जाती, उनका बच्चे अनाथ नहीं होते, उनका परिवार परेशान नहीं होता। तो ये हम लोग प्रवर्तन का कार्य की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है, परिवहन विभाग को मिली हुई है और अगर हम लोग ही इसको फॉलो नहीं करेंगे, हमारे लोग ही सिपाही और दरोगा अगर नहीं लगाएंगे हेलमेट, तो ये फिर हमें और लोगों को कहने का मेरा नैतिक अधिकार नहीं है, ना और लोगों के चालान करने का नैतिक अधिकार है। इसलिए और जीवन की सुरक्षा सभी की जरूरी हो, चाहे पुलिस की हो चाहे पब्लिक हो। तो अब हम लोगों ने उनको आज विशेष रूप से अभियान चला रहे हैं, हम आगे भी चलाएंगे। पुलिस ऑफिस में हमने अपना चेकिंग अभियान लगा चलाया है, पुलिस लाइन में भी चलाया है और हम लोग विशेष रूप से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके चालान आज करेंगे और कल करेंगे। और अब हम पहले ये इंश्योर करेंगे कि सभी पुलिसकर्मी एहतियात नियमों का पालन करें, अगर उसके बाद लोग नहीं मानेंगे तो फिर और कार्रवाई की जाएगी।